प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 17th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, साथ में जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 16th वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि हायर मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो लेट S बी द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी S सिंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, और यहाँ पर हम लोग दो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे प्रत्येक सिंपल पॉइंट के लिए। तो लेट X इक्वल टू X ऑफ ओमेगा। X ऑफ ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा जो है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्री इवेंट है, एंड Y इक्वल टू Y ऑफ ओमेगा बी टू फंक्शंस ईच असाइनिंग ये रियल नंबर टू ईच ओमेगा बिलोंग्स टू S। मतलब सिंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट को अगर ले लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, एक X ऑफ ओमेगा और दूसरा Y ऑफ ओमेगा। तो देन एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड ये टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। करना क्या है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसका सिंपल स्पेस बना लो, और प्रत्येक सिंपल पॉइंट पर प्रत्येक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सिंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक के लिए यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और दूसरा वाई। सेम सिंपल स्पेस में, एक ही सिंपल स्पेस में एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो रैंडम वेरिएबल अगर डिफाइंड होता है, एक एक्स और दूसरा वाई, तो ये दोनों के ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो, यहाँ पर देखो कि ये पेयर ऑफ फेयर डाइस आर थ्रोन, मान लो दो पासे को हम लोग फेंक रहे हैं, और एक्स डिनोट द नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ फर्स्ट डाई, फर्स्ट पासे में जो नंबर आएगा उसको एक्स से डिनोट किया जा रहा है, एंड वाई द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, और जो दो पासे को फेंक रहे हैं उसमें से स्मॉलर होगा उसको हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर दो पासे को फेंके तो सिंपल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट होगा, 1 1 1 2 1 3 से लेकर के 6.6 तक होगा ये। तो ये 36 एलिमेंट आप सिंपल स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट को ले लो, सिंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट, जैसे 1 1 ले लेते हैं, तो 1 1 के लिए एक्स का क्या वैल्यू होगा। अगर इसकी बात करें कि ये 1 1 पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, फर्स्ट पासे में जो नंबर आ रहा है उसको डिनोट कर रहा है। और इसी का अगर हम लोग वाई निकाले तो वाई कितना हो जाएगा, वाई दोनों में से जो स्मॉलर होता है, तो स्मॉलर कौन है, दोनों तो सेम है, तो दोनों सेम है तो स्मॉलर 1 ही हो जाएगा। तो किसी भी सिंपल स्पेस पर हम लोग दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक एक्स निकाल सकते हैं और एक वाई निकाल सकते हैं। ये दोनों को एक साथ लिख करके और ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल जो होता है वो एक फंक्शन होता है जो सिंपल स्पेस से कहाँ पर डिफाइंड होता है, रियल नंबर में। तो यहाँ पर भी सिंपल स्पेस से रियल नंबर में डिफाइंड होगा, सिंपल स्पेस का इनपुट हो जाएगा और आउटपुट जो आएगा वो रियल नंबर आएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि लेट X इक्वल टू X ओमेगा एंड Y इक्वल टू Y ऑफ ओमेगा बी टू फंक्शंस, ये दो फंक्शन है, ईच असाइनिंग ये रियल नंबर टू ईच ओमेगा बिलोंग्स टू S। S के प्रत्येक ओमेगा के लिए ये एक रियल नंबर को असाइन करता है। जैसे S का हम लोग ये एलिमेंट ले लिए, इसके लिए X का एक वैल्यू रियल नंबर मिल रहा है, Y का भी वैल्यू एक रियल नंबर मिल रहा है। तो सिंपल स्पेस के किसी भी एलिमेंट के लिए एक्स और वाई का दोनों वैल्यू मिल जाएगा, और अगर ऐसा मिल जाता है प्रत्येक एलिमेंट के लिए तभी इस एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। देखो दूसरा एलिमेंट हम लोग सपोज करते हैं, मान लो अगर हम लोग 1 2 की बात करें तो इस केस में 1 2 के लिए एक्स का क्या वैल्यू आएगा,
यहाँ पर एक्स जो है वो नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई में जो नंबर आ रहा है उसको एक्स डिनोट कर रहा है, तो फर्स्ट डाई में कौन सा नंबर आ रहा है, वन। और अगर वाई की बात करें, वाई ऑफ वन टू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो दोनों में से स्मॉलर है, वाई क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों में स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर वन है, तो वाई का भी वैल्यू यहाँ पर हो गया वन। अगर हम लोग तीसरा कोई भी सिंपल स्पेस का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं, सपोज करो हम लोग 3 5 ले लेते हैं, कोई भी सिंपल स्पेस का किसी भी एलिमेंट को ले लोगे, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक्स और वाई निकल जाएगा, क्योंकि एक्स बता रहा है नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, जब हम लोग सिंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट डाई में कुछ नंबर होगा, और वाई बता रहा है सिंपल स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, दोनों जो नंबर आ रहा है उस दोनों में से कोई ना कोई स्मॉलर होगा ही, तो प्रत्येक के लिए एक्स वाई डिफाइंड हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग 3 5 की बात करें तो 3 5 के लिए एक्स का क्या वैल्यू आएगा, 3 आएगा, और अगर वाई की बात करें तो 3 5 के लिए वाई का वैल्यू क्या आएगा, जो दोनों में से स्मॉलर है स्मॉलर 3 है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्स ऑफ 6 3, इसी का एक एलिमेंट लेते हैं 6 3, तो यहाँ पर एक्स का क्या वैल्यू मिलेगा, 6 मिल रहा है, और अगर वाई की बात करें तो 6 3 का वाई कितना हो जाएगा, दोनों में से जो स्मॉलर है, तो दोनों में से स्मॉलर क्या है, 3 है। तो क्या सिंपल स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मिल जाएगा ना, तो अगर मिल जाता है तो एक्स भी एक रियल नंबर मिल रहा है और वाई भी एक रियल नंबर, सिंपल स्पेस के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक्स और वाई का एक रियल नंबर मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एक्स और वाई दोनों को हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई जो है इज ये 2 डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल हो गया, 2 डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल। अब जरा ध्यान देना, अब जरा यहां पर समझो कि x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, यहां पर जब रेंडम वेरिएबल है तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। यहां पर x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू हो सकता है 1, x बता रहा है नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई में नंबर कौन कौन सा आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 आ सकता है, तो x ये सब x का ये सभी वैल्यू होगा, और y का कौन कौन सा वैल्यू होगा, y जो दोनों में से स्मॉलर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लोग दो पासे को फेंकेंगे तो दोनों में से स्मॉलर क्या आ सकता है, जैसे अगर ये आ गया तो उसमें से स्मॉलर क्या है, 1 है, अगर मान लो ये आ गया तो उस ये आ गया तो स्मॉलर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ आ गया तो क्या है, 2 है, ये आ गया तो स्मॉलर क्या है, 2 है, तो y का वैल्यू 2 भी हो सकता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें से स्मॉलर क्या है, 3 है, तो y का वैल्यू 3 भी हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो स्मॉलर क्या है, 4 है, तो 4 भी हो सकता है y का वैल्यू। अगर इसकी बात करें तो स्मॉलर क्या है, 5 है, तो 5 का वैल्यू y का वैल्यू 5 भी हो सकता है। और अगर इसकी बात करें तो स्मॉलर 6 है, दोनों सेम है तो 6 है, तो स्मॉलर 6 भी आ सकता है। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और y का भी वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x कैन टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 एंड y कैन टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो x और y का वैल्यू मिल रहा है वो फाइनाइट नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है x और y का जो वैल्यू मिल रहा है वो नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, फाइनाइट है। यहाँ पर x का भी 6 वैल्यूज है और y का भी 6 वैल्यूज है। अगर ऐसा वैल्यू मिलता है तो उस 2 डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट 2 डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल। लेकिन अगर एक्स वाई का वैल्यू जो है वो दो इंटरवल या दो नंबर के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हो सकता है, तो वैसे केस में एक्स वाई को हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशनल कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल। जैसे यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं कि इफ़ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई आर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, या तो एक्स वाई का जो वैल्यू मिलेगा एक्स कॉमा वाई वो फाइनाइट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट भी है तो काउंटेबल होना चाहिए, जिसका लिस्टिंग कर सकते हैं, काउंटेबल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो या तो एक्स वाई का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, या अगर इनफाइनाइट है तो काउंटेबल होना चाहिए। तो वैसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। लेकिन अगर एक्स वाई कैन एज्यूम्स ऑल वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड रीजन आर,
इन द एक्स वाई प्लेन, अगर वो एक्स वाई प्लेन के किसी खास रीजन का कोई भी वैल्यू अगर एक्स वाई होता है, तो वैसे केस में एक्स कॉमा वाई को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसका क्या मीनिंग है, इसको एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। फिलहाल एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर डिस्क्रीट जो कर रहे हैं वो इस एक्स कॉमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका फाइनाइट होना चाहिए। तो जैसे एक्स और वाई का वैल्यू अगर फाइनाइट है, तो एक्स कॉमा वाई का जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, ये दोनों का 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये दोनों का ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो क्या क्या आएगा, 1, 1 आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा इसमें, 36 आएगा। तो इस एक्स वाई का वैल्यू तो फाइनाइट ही मिल रहा है ना, तो एक्स और एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू है अगर वो फाइनाइट है या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू है अगर वो स्पेसिफाइड रीजन में, प्लेन के एक्स वाई प्लेन के स्पेसिफाइड रीजन में कोई भी अगर वैल्यू हो जाए, तो वैसे केस में हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो इसको, यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे कि x, y का जो वैल्यू आ रहा है वो कौन सा कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ऑर्डर्ड पेयर में है तो ये जरूर प्लेन का पॉइंट होगा, प्लेन के पॉइंट के द्वारा। जैसे अगर हम लोग 1, 1 की बात करें तो 1, 1 कहाँ पर होगा, 1, 1 जो है वो x एक्सिस पर x का वैल्यू दिखाना है, y एक्सिस पर y का वैल्यू दिखाएंगे, तो 1, 1 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो एक्स वाई का वैल्यू मिल रहा है, एक्स कॉमा वाई का ये वैल्यू जो मिला था वो इस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब एक्स कॉमा वाई का वैल्यू जो है वो ये भी मिल रहा है, 1, 2 भी मिल रहा है, तो ये कहाँ से मिलेगा, एक्स 1 और वाई 2 ये पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। जो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है वो सभी वैल्यू कहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हम लोग एक्स वाई प्लेन के किसी पॉइंट के द्वारा। और क्या इनफाइनाइट पॉइंट है या फाइनाइट पॉइंट है अगर इसकी बात करें, तो यहाँ टोटल कितना पॉइंट आएगा, 36 पॉइंट आएगा, तो 36 पॉइंट के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट भी है, तो काउंटेबल होना चाहिए, ये सभी पॉइंट को के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो है वो डिस्क्रीट टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है। लेकिन सपोज करो कि एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू मिलेगा, अगर ये रीजन आर में कोई भी स्पेसिफाइड रीजन अगर है, मान लो कोई स्पेसिफाइड रीजन है, मान लो यहाँ से यहाँ के बीच में, और इस स्पेसिफाइड रीजन में कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ से 2 से लेकर के 6 तक है और इधर भी 2 से लेकर के 6 तक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे x का वैल्यू मान लो 2.1 भी हो गया, y का वैल्यू 3.1 भी हो गया, और x का वैल्यू 2.1 के बाद 3 नहीं आएगा, 2.1 के बाद 2.11 आ गया या 2.12 आ गया। तो अगर ऐसा केस में इस प्लेन रीजन R में कोई भी अगर वैल्यू हो सकता है xy का वैल्यू, तो वैसे केस में आने की कह सकते हैं कि 2 less than equal to x less than equal to 6, 2 से लेकर के 6 तक, और y का जो वैल्यू है ये भी 2 से लेकर के 6 तक कोई भी अगर वैल्यू हो जाए, तो वैसे केस में इस रैंडम वेरिएबल को, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि कोई भी हम लोग एक ह्यूमन बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है उसके उसको सेलेक्ट करते हैं, और एक्स मान लो डिनोट करता है वेट को, एक्स जो है वो वेट को डिनोट कर रहा है, और वाई जो है वो डिनोट कर रहा है हाइट को, उस आदमी के हाइट को डिनोट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर एक्स का क्या वैल्यू होगा, सपोज करो कि जो वेट है, वेट मान लो 1 kg से लेकर के मान लो 200 kg तक ही ह्यूमन बॉडी का वेट है, और हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर से मान लो 200 सेंटीमीटर तक ही है। तो अब एक्स और वाई का क्या वैल्यू हो सकता है, एक्स और वाई का वैल्यू देखो, ध्यान देना यहाँ पर एक्स और वाई मतलब वेट और हाइट जो है बिल्कुल फाइन मेजर करेंगे। अगर हम लोग 50 kg कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 50 kg किसी का वेट नहीं होगा, 50 kg और कुछ ग्राम में भी होगा, मिलीग्राम में भी होगा, तो वो फाइन मेजर करना है हम लोग को। तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 1 और 200 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है, मान लो 50.012 है, किसी आदमी का वेट अगर ये है और हाइट जो है वो मान लो 172.632 सेंटीमीटर है,
अब इसके बाद एक्स का जो वैल्यू आएगा वो अगर दूसरे आदमी की बात करें तो इसके बाद 50 पॉइंट समथिंग के बाद तुरंत 51 नहीं आएगा, हो सकता है 50 पॉइंट 0, 1, 2, 3 हो जाए, कोई भी वैल्यू हो सकता है इस रेंज में, 1 से 200 केजी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, वाई का यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे केस में एक्स और वाई को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। अगर हम लोग यहाँ पर 1 दिखाते हैं और सपोज करो यहाँ पर 200 दिखाएं, यहाँ पर हम लोग 1 दिखा रहे हैं और यहाँ पर 200 दिखा रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग दिखाते हैं ये 25 दिखाते हैं और यहाँ पर सपोज करो कि 200, ये पॉइंट को 200 दिखाते हैं, तो ये जो रीजन है यहाँ से 1 से लेकर के 200 तक एक्स यानी कि वेट है, और हाइट जो है वो 25 से लेकर के 200 तक है। तो इस रीजन में एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू, अगर ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले ले, तो आर एक स्पेसिफाइड रीजन है प्लेन एक्स वाई प्लेन में, और इस रीजन में एक्स और वाई का अगर कोई भी वैल्यू हो सकता है तो वैसे केस में एक्स वाई को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल। आगे हम लोग देखते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ चुके हैं सिंगल रेंडम वेरिएबल के लिए, और यहाँ पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल के लिए, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइंड होगा डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल के लिए। ज्वाइंट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल होना चाहिए। तो इफ एक्स कॉमा वाई इज टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, सपोज कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई जो है वो टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है, देन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिनोटेड बाय, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान देना स्मॉल पी है, और एक्स और वाई यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रेंडम वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई डिनोट कर दे रहे हैं, मान लो अगर कोई दूसरा जेड रहता तो एक्स जेड लिखते। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, और डिफाइंड कैसे करते हैं कि किसी भी एक्स और वाई, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स कॉमा वाई, ये प्लेन रीजन आर में या प्लेन एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो उस एक्स कॉमा वाई पर ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई इक्वल टू वाई जे फॉर ये वैल्यू ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब अगर ये डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का वैल्यू है, जो टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है, अगर उसका ये वैल्यू है एक्स का वैल्यू एक्स आई, वाई का वैल्यू वाई जे, तो उस समय उसका प्रोबेबिलिटी बताएगा, और अगर ये रेंडम वेरिएबल का डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं है तो उस समय इस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अभी एक एग्जांपल से समझाएंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये फंक्शन जो है वो एक्स कॉमा वाई पर अगर फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो उस फंक्शन का वैल्यू होगा इस प्रोबेबिलिटी के बराबर, अगर एक्स का वैल्यू एक्स आई और वाई का वैल्यू वाई जे है, यानी डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का वैल्यू अगर है तो उस समय इसका प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेगा, और अगर डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं है तो उस समय इसका वैल्यू जो होगा फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग जो फेयर ऑफ ये पेयर ऑफ फेयर डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे थे, तो सिंपल स्पेस यही आ रहा था, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू भी वन, इसका मतलब क्या हुआ कि रेंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू जो है ये कैपिटल पी है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो एक्स का जो वैल्यू है वो वन होना चाहिए और वाई का वैल्यू वन होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे सिंपल एलिमेंट है या सिंपल पॉइंट का कौन कौन सा एलिमेंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स क्या बता रहा था, एक्स डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, यानी फर्स्ट डाई में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो वन किस किस के लिए है, देखो अगर वन की बात करें तो देखो वन यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम में वन यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम में वन यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये सभी में तो फर्स्ट टाइम में तो टू है, इस सभी में थ्री है, इसमें भी फोर है, इसमें फाइव है और इसमें सिक्स है, तो फर्स्ट टाइम में वन यहीं पर है, ये सभी हो सकता है, लेकिन वाई भी वन होना चाहिए। वाई क्या डिनोट कर रहा है, दोनों का स्मॉलर जो है वो क्या होना चाहिए, वन। तो दोनों का स्मॉलर वन किसका किसका, इसका है, इस दोनों में से स्मॉलर वन ही आ रहा है, ये भी हो जाएगा, इस दोनों में स्मॉलर वन आ रहा है ये भी हो जाएगा, ये दोनों में स्मॉलर वन आ रहा है ये भी हो जाएगा,
इस दोनों में भी स्मॉल आर वन आ रहा है, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों में स्मॉल आर वन आ रहा है, तो ये इसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि इसके फेवरेबल केस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इसके फेवरेबल केस में 6 एलिमेंट आएंगे और टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल 36 है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/6। इसको हम लोग कहेंगे ये कौन सा वैल्यू निकल गया, P11 पर निकल गया। और यहाँ x और कॉमा y लिख देते हैं क्योंकि ये रेंडम वेरिएबल x y का है, तो इस फंक्शन का वैल्यू अगर ये फंक्शन है और 1/1 पर वैल्यू निकालना चाहें तो 1/1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। क्या बता रहा है ये 1/1 पर, ये क्या बता रहा है फंक्शन, ये बता रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी, ये 1 और 1 जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू था ना। लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहें पी एक्स कॉमा वाई 1.5 और 2 पर, तो क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है क्या, ये तो है लेकिन ये तो नहीं है, दोनों होना चाहिए। तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्स को डिनोट कर रहे थे नंबर ऑफ फर्स्ट डाई, तो ये फर्स्ट डाई में नंबर 1.5 हो सकता है क्या जब पासा को फेंकेंगे, तो उस समय इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो जरा ध्यान देना कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, तो उस समय उसका प्रोबेबिलिटी बताएगा, और अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं है तो उस समय इस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखे हुए हैं कि ये जो डिफाइंड किया गया है इसको डिनोट करते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं और डिफाइंड करते हैं कि कोई भी एक्स कॉमा वाई पर हम लोग इस फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं और इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, उसके प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा अगर एक्स और वाई जो है वो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है, और अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं है उस समय क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब आगे जरा ध्यान देना कि मान लो एक्स का जो वैल्यू है एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन है, सपोज करो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यहाँ तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो सपोज करते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन है, फाइनाइट है, ये एस लिखा हुआ है, मतलब सभी सिंपल स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक्स का वैल्यू ये एक्स वन से लेकर के एक्स एन तक है, और वाई का जो वैल्यू है वो वाई वन से लेकर के कहाँ तक है, वाई एम तक है। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान देना कि यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देते हैं एक्स कॉमा वाई का, ये एक्स एक रैंडम वेरिएबल हो गया और दूसरा रैंडम वेरिएबल हो गया वाई, तो दोनों मिला करके हम लोग उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो अब ये दोनों टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक्स का जो वैल्यू था ये और वाई का वैल्यू था ये, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो बहुत सारा पेयर बन जाएगा, एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई टू, बहुत सारा पेयर बनेगा। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक पेयर पर जो भी पेयर बन रहा है उस पर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रीट के लिए निकाल रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है उसके लिए निकाल रहे हैं एक्स आई वाई जे पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कैसे निकालेंगे, ये बताएगा एक्स इक्वल टू एक्स आई और वाई इक्वल टू वाई जे का प्रोबेबिलिटी, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, शॉर्ट में डिनोट करते हैं पी आई जे से। अब इसको हम लोग एक टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को एक टेबल में बना सकते हैं। तो टेबल में क्या बनाना है, क्या करना है, इस रो में यहाँ पर वाई का वैल्यू लिखना है और इस कॉलम में एक्स का वैल्यू लिखना है। तो एक्स का वैल्यू एक्स वन से लेकर के एक्स एन तक था और वाई का वैल्यू वाई वन से लेकर के वाई एम तक था। यहाँ पर लिखेंगे एक्स वन वाई वन का प्रोबेबिलिटी कि एक्स का वैल्यू एक्स वन हो और वाई का वैल्यू वाई वन हो, इसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, पी वन वन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स का वैल्यू एक्स वन और वाई का वैल्यू वाई टू रहे इसका प्रोबेबिलिटी को, तो इस प्रोबेबिलिटी को पी वन टू से। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे एक्स का वैल्यू एक्स वन और वाई का वैल्यू वाई जे यानी कि पी आई जे से। यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे कि एक्स का वैल्यू एक्स वन और वाई का वैल्यू वाई एम रहे उसका प्रोबेबिलिटी को, तो पी वन एम से। इसी तरीके से पूरे में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इस सभी को ऐड कर देते हैं, तो ये जो सभी प्रोबेबिलिटी आएगा, सभी प्रोबेबिलिटी का अगर सम करते हैं तो इसको डिनोट करेंगे P1 डॉट से,
ध्यान देना यहाँ पर वन फिक्स है सभी में, फर्स्ट सफिक्स देखोगे तो वन है सभी में, वन वन यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है। सेकेंड सफिक्स वेरी कर रहा है, सेकेंड सफिक्स क्या है, वन है, टू है, डॉट डॉट जे है, डॉट डॉट एम है, तो वन सभी में है, तो ये सभी का जो सम आएगा उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी वन, और डॉट डॉट मतलब यहाँ पर ये जो है सेकेंड सफिक्स वो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है वन से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, एम तक। इसी तरीके से इसका जो सम आएगा तो इसके सम को डिनोट करेंगे पी टू डॉट से, यहाँ पर फर्स्ट सफिक्स टू सभी में है और सेकेंड सफिक्स वेरी कर रहा है। फिर इसी तरीके से सभी को यहाँ पर डिनोट करेंगे, और इस कॉलम में जो ऐड करते हैं तो कॉलम का जो सम आएगा, देखोगे सेकेंड सफिक्स सभी का सेम है, सेकेंड सफिक्स वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, सभी में वन है, और फर्स्ट सफिक्स वेरी कर रहा है वन टू डॉट डॉट एन तक है, तो इसको डिनोट करेंगे पी डॉट वन से, यानी कि फर्स्ट सफिक्स जो है वो फिक्स नहीं है लेकिन सेकेंड सफिक्स जो है वो फिक्स है वन है। इसी तरीके से सेकेंड कॉलम का जो सम आएगा पी डॉट टू से डिनोट करेंगे, इस तरीके से सभी को डिनोट करेंगे। तो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एक टेबल बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एक टेबल है जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग डिफाइंड किए हैं, और बाकी इस टेबल के बाहर अगर जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है सब यहाँ पर हम लोग टेबल में डाल दिए हैं, लेकिन अगर टेबल से बाहर रखते हैं तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं होगा, तो उसका उस फंक्शन का उस समय फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो जीरो होगा। जैसे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर कौन सा वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे जो कि ये पी वन वन हो जाएगा, पी वन वन मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कैपिटल पी होगा, कैपिटल पी एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन इसका प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, वन बाय सिक्स आया था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू वन और y इक्वल टू टू का प्रोबेबिलिटी, तो x इक्वल टू वन और y इक्वल टू टू कब आएगा, कौन सा केस जो है वो फेवरेबल केसेज होगा। चलो हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू वन लेना है और y का वैल्यू टू लेना है। x का वैल्यू वन लेना है मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि फर्स्ट पासे में वन आएगा और दोनों में से जो मिनिमम है वो कितना आना चाहिए, टू। तो फर्स्ट पासे में वन आने वाला कौन कौन सा एलिमेंट है सिंपल स्पेस में हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट पासे में देख रहे हो कि ये जो है ये सभी छह एलिमेंट है जिसमें से फर्स्ट पासा में कितना आ रहा है, वन। अब दोनों में से मिनिमम वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों में से मिनिमम, तो दोनों में से मिनिमम टू आना चाहिए। तो अब इसमें से ढूंढो कि दोनों में से मिनिमम टू किसमें है, किसी में है, इसमें से मिनिमम कितना आ रहा है वन, इसमें भी मिनिमम कितना आ रहा है वन, इसमें भी मिनिमम वन है, इसमें भी मिनिमम वन है, दोनों में से मिनिमम वन है, इसमें भी मिनिमम वन है, इसमें भी मिनिमम वन है। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि फर्स्ट पासे में वन आवे और दोनों में से मिनिमम टू आवे। फर्स्ट पासे में वन आने वाला बस यही है, बाकी ये सभी तो फर्स्ट पासे में चेंज हो जा रहा है ना। तो फर्स्ट पासा में जो है फर्स्ट डाई में वन आना चाहिए और दोनों में से मिनिमम टू आना चाहिए, तो किसी में भी ऐसा नहीं है कि मिनिमम जो है वो टू आवे, तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी फेवरेबल केस नहीं है तो इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू वन और y इक्वल टू थ्री की बात करें तो ऐसे केस में भी प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कि फर्स्ट डाई में वन आना है और दोनों डाई का जो मिनिमम होगा वो थ्री होना चाहिए, तो फर्स्ट डाई में वन तो यही सब में है और दोनों में से मिनिमम थ्री है किसी में, इस दोनों में से मिनिमम वन आ रहा है थ्री नहीं है, इसमें भी मिनिमम वन आ रहा है थ्री नहीं है, इसमें भी वन आ रहा है मिनिमम दोनों में से थ्री नहीं है, इसमें भी मिनिमम वन आ रहा है, इसमें भी मिनिमम वन आ रहा है, इसमें भी मिनिमम वन आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो। यानी कि x इक्वल टू वन और y इक्वल टू थ्री का प्रोबेबिलिटी हो गया जीरो। फिर इसी तरीके से x इक्वल टू वन और y इक्वल टू फोर का भी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगा, तुम चेक करके देख सकते हो ये सभी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है तो पी एक्स इक्वल टू टू और y इक्वल टू वन ये देखते हैं हम लोग कि पी एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू वन इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब इसके लिए हम लोग देख चेक करते हैं कि सिंपल स्पेस में कौन कौन सा फेवरेबल केसेज है इसके करिस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट पासे में टू आना है और दोनों में से जो मिनिमम है वन आना है, तो फर्स्ट पासे में टू कौन कौन सा एलिमेंट में है, ये सभी में फर्स्ट पासे में जो है फर्स्ट डाई में टू है, ये सभी में तुम देख रहे हो कि फर्स्ट डाई में टू है और ये सभी में फर्स्ट डाई में थ्री है, इसमें फोर है, इसमें फाइव है, इसमें सिक्स है, इसमें वन है, तो यही सब हो सकता है फेवरेबल केसेज। अब इसमें से कौन कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट डाई में टू होना चाहिए और दोनों में से मिनिमम वन होना चाहिए, तो दोनों में से मिनिमम किस में वन है, इसमें वन है, दोनों का मिनिमम चेक करो तो वन है, इसमें मिनिमम कितना है,
टू है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें मिनिमम कितना है टू है नहीं होगा, इसमें भी मिनिमम टू है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फेवरेबल केस कौन सा हो गया, सिर्फ वन आ गया, यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, फेवरेबल केस वन और टोटल केसेज 36, यानी कि ये हो जाएगा 1/36। क्या आ रहा है समझ में? अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो x इक्वल टू टू और y इक्वल टू टू के लिए फेवरेबल केस कौन सा होगा। तो फर्स्ट पासे में 2 आना चाहिए और दोनों में से मिनिमम भी 2 आना चाहिए, तो अब इसमें से कौन कौन सा आएगा, देखो यही सब होगा जिसमें फर्स्ट पासे में 2 है और दोनों में से मिनिमम भी 2 होना चाहिए, तो कौन सा है, बस यही सिर्फ हो सकता है दोनों में से मिनिमम 2, और भी शायद हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है फर्स्ट पासे में 2 है और मिनिमम भी क्या है 2, इसमें भी हो सकता है फर्स्ट पासे में 2 है और दोनों में से मिनिमम 2 है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, ये सभी केसेज जो है कि फर्स्ट डाई में 1 आ रहा है और दोनों में से मिनिमम भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फर्स्ट डाई में 2 और मिनिमम भी 2 आ रहा है, तो कितना फेवरेबल केस हुआ 5 हुआ और टोटल केसेस कितना है 36, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/36। अगर हम लोग इसकी बात करें तो फर्स्ट डाई में 2 और दोनों में से मिनिमम 3, तो ये कौन सा केस है, देखो ये पहले हम लोग यहाँ पर आ चुका था और ये सभी इसमें आ चुका है, अब हमको नहीं लगता है कि कोई भी बचेगा इसके लिए, तो देखो फर्स्ट डाई में 2 और मिनिमम 3, तो इसमें क्या पॉसिबल है, क्या मिनिमम 3 है, इसमें भी मिनिमम 3 है क्या, इसमें भी मिनिमम 3 नहीं है, मिनिमम क्या आ रहा है दोनों से 2 आ रहा है, इसमें भी मिनिमम 2 आ रहा है, इसमें भी मिनिमम 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि फर्स्ट पासे में 2 आवे और मिनिमम 3 आवे, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। तो इधर भी तुम देख सकते हो इस सभी का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये देखते हैं 3-1, तो फर्स्ट डाई में 3 होना चाहिए और दोनों में से मिनिमम 1 होना चाहिए, कौन सा है, फर्स्ट डाई में 3 और मिनिमम क्या है 1, ये केस हो जाएगा, इसमें फर्स्ट डाई में 3 और मिनिमम क्या है 2 है, नहीं होगा, फर्स्ट डाई में 3 और मिनिमम भी 3 है, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट डाई में 3 और मिनिमम भी 3 है, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ इसके लिए फेवरेबल क्या केस कौन सा हुआ 1, एक ही केस हुआ और टोटल केसेस कितना 36, तो ये हो जाएगा 1/36। क्या दिक्कत है? तो इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें 3-2 की, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, तो इसके लिए फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही केस होगा ये जिसका x का वैल्यू 3 है और मिनिमम भी कितना है 2, ये सब में मिनिमम क्या हो जाता है, मिनिमम 3 हो जाता है, तो इसके लिए भी एक ही केस होगा, यानी कि इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगा। और x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 अगर इसकी बात करें तो इसके लिए फेवरेबल केस ये बाकी जो बच रहा है वो सभी हो जाएगा, ये सभी में फर्स्ट डाई में 3 भी आ रहा है और इसकी मिनिमम की बात करें तो ये सभी केस में मिनिमम जो है वो भी 3 आ रहा है, तो इसके लिए फेवरेबल केसेज हो जाएगा 4/36, जो कैंसिल होकर के 1/9 कर सकते हैं। और फिर अगर आगे बढ़ जाएं x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 की बात करें, मतलब फर्स्ट टाइम में 3 और मिनिमम 4 किसी में भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इस टेबल को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 के लिए आएगा 1/36, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 के लिए भी आएगा 1/36, और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 के लिए आएगा ये भी 1/36 आएगा, और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 के लिए आ जाएगा, ये सभी तीन केस जो है वो सभी में आ जाएगा, x का वैल्यू 4 भी आ रहा है, फर्स्ट टाइम में 4 भी आ रहा है, दोनों में से मिनिमम जो है वो 4 भी आ रहा है, तो यानी कि 3/36 यानी कि ये आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, ये 1/12, और ये बाकी केसेस जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी अगर निकालें तो 1/36 आएगा, यहाँ भी 1/36 आएगा, चेक कर सकते हो, ये भी 1/36 आएगा, ये भी 1/36 आएगा, और x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5, तो ये x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 के लिए दो केस बच जाएगा, तो 2/36 हो जाएगा, यानी कि 1/18 आएगा और इसका हो जाएगा 0। अगर इसकी बात करें तो ये आएगा तुम्हारा 1/36, यहाँ भी 1/36, यहाँ भी 1/36, यहाँ भी 1/36, और यहाँ भी 1/36 आएगा, और ये भी आएगा 1/36 ही, क्योंकि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 6 ये आएगा, दोनों में से फर्स्ट टाइम में 6 भी आ रहा है और दोनों में से मिनिमम भी 6 है, तो एक ही फेवरेबल केस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं, रो का टोटल करते हैं, तो इस रो का टोटल अगर करेंगे तो कितना आएगा 1/6, इस रो का अगर टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा 1/36 प्लस 5/36 6/36, ये भी 1/6 आ रहा है। अगर इस रो का टोटल करेंगे 1/36
प्लस 1/36, और ये तुम्हारा है 4/36 कह सकते हो इसको, तो 4 + 1 + 1 6/36, ये भी 1/6 आएगा। तुम चेक कर सकते हो किसी भी रो का जो टोटल आ रहा है वो 1/6 आ रहा है। और इसी तरीके से अगर कॉलम में भी हम लोग अगर ऐड करते हैं तब कितना आएगा, ये हम लोग कह सकते हैं कि 6/36 है। 6/36 6+1 7 8 9 10 11, तो ये आ रहा है 11/36। अगर इसकी बात करें तो ये 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9/36 आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि 4/36 है, तो 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7/36 आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 3/36 कह सकते हैं, तो 3 + 1 + 1 यानी 5/36 आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 3/36 आ रहा है, और इसकी बात करें तो ये 1/36 आ रहा है। और अगर टोटल करें, इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं, तो ये 1 आएगा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी बताएगा कैसे 1 आएगा, चलो चेक करो। 11 + 9 20 + 7 27 + 5 32 32 + 3 35 + 1 36/36 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1/6 1/6 1/6 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, इधर से भी अगर हम लोग ऐड करते हैं और इधर से भी ऐड करते हैं, तो ये कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर लिखे हुए 1, यानी इसका भी सम 1 आएगा। तो इसका सम कर रहे हैं तो सिग्मा पी आई डॉट, आई डॉट कर देते हैं यहाँ पर, और i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो इसका सम जो है वो 1 आ जाएगा। इस सभी का अगर हम लोग सम कर रहे हैं, सेकेंड सफिक्स तो डॉट में है तो डॉट रहने दो, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि p1 p2 p3 डॉट डॉट, तो ये सभी का सम कर रहे हैं। तो फर्स्ट सफिक्स जो है वो i से लेकर के 1 से लेकर के कहाँ तक वैरी कर रहा है, n तक, तो 1 से लेकर के n तक करते हैं, तो ये क्या बता रहा है, 1। इधर भी अगर हम लोग सम करेंगे, सिग्मा पी डॉट डॉट यहाँ रहने दो, और जो दूसरा सफिक्स है 1 2 से लेकर के कहाँ तक वैरी कर रहा है, एम तक, तो जे का वैल्यू 1 से लेकर के एम तक होगा, इसका भी सम कितना आ रहा है, 1। इसको हम लोग डबल सिग्मा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे डबल सिग्मा में रिप्रेजेंट करेंगे वो बताएंगे। अब जरा ध्यान देना कि ये जो 1 आया है ये क्या चीज़ का सम आया है। हम लोग प्रत्येक रो के एलिमेंट को ऐड करके यहाँ रखें, ये सारे रो का एलिमेंट को ऐड करके हम लोग वहाँ पर रखें और फिर इसको ऐड कर दिए, मतलब इसमें जितना भी एंट्री है वो सारे एंट्री का सम ना बना रहा है। अगर सारे एंट्री का सम करें तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग सारे एंट्री के सम को क्या लिख सकते हैं, डबल सिग्मा लिखो, डबल सिग्मा पी आई जे, जहाँ आई का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक और जे का वैल्यू 1 से लेकर के एम तक, इसी का सम 1 हो गया। अगर इस टेबल की बात करें तो ये जितना भी एंट्री है सारे एंट्री का सम 1 आ रहा है, मतलब ये आई भी वैरी कर रहा है 1 2 से लेकर के एन तक, और जे भी वैरी कर रहा है 1 2 से लेकर के एम तक। तो सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम आ रहा है इस टेबल में से 1 आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि नोट में ये लिख सकते हैं कि जितना भी प्रोबेबिलिटी का सम होगा, यानी कि सिग्मा, डबल सिग्मा देना है पी स्मॉल पी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पी से डिनोट कर रहे हैं, एक्स आई वाई जे, और यहाँ पर वाई जे है, और ये एक्स कॉमा वाई लिखते हैं कि रेंडम वेरिएबल एक्स वाई है, और आई का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक और जे का वैल्यू 1 से लेकर के एम तक। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डबल सिग्मा इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा पी आई जे से, कि एक्स आई वाई जे का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा उसको हम लोग पी आई जे से, वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n एंड जे रन्स फ्रॉम 1 to m एंड दिस सम इज इक्वल टू 1। तो ये भी नोट करके लिख लो कि ये दोनों तो सेम चीज़ है, इसका जो सम है वो 1 के बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है कि लेट एक्स कॉमा वाई बी ए डिस्क्रीट टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल विच टेक्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। एक्स कॉमा वाई जो है वो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है, और जिसका वैल्यू जो है वो एक्स जो है उसका वैल्यू एक्स आई है, और वाई का वैल्यू वाई जे है, आई का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक होगा, जे का वैल्यू 1 से लेकर के एम तक होगा। यानी कि एक्स का जो वैल्यू आएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये, तो एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, और वाई का वैल्यू वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एम। तो ये डिस्क्रीट टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू हो गया।
देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अब एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर रहे हैं इस तरीके से, सिर्फ एक्स का, यहाँ पर वाई यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, वाई कुछ भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ एक्स का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और किसका निकाल रहे हैं एक्स आई, एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स आई है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स आई का प्रोबेबिलिटी, और एक्स आई का प्रोबेबिलिटी और वाई तो कुछ है नहीं, तो वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, वाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है, जितना भी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है सब हो सकता है, इसका मीनिंग या इसको कैसे डिफाइन किया गया है ये जरा ध्यान देना कि पी एक्स इक्वल टू एक्स आई इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू वाई वन, एक्स का वैल्यू एक्स आई रखेंगे लेकिन वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, वाई वन भी रखेंगे, फिर वाई टू भी रखेंगे, और इस तरीके से वाई एम भी रखेंगे, और सभी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये बता रहा है एक्स आई का प्रोबेबिलिटी, वाई का कोई भी वैल्यू वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एम सभी वैल्यू रखेंगे, और एक्स का वैल्यू हम लोग सिर्फ एक्स आई रखेंगे, तो उस समय ये एक्स आई का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, और इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, एंड इज नोन एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को या फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, बात एक ही है, मास हटा भी सकते हो, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं। जरा एक एग्जांपल से समझो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग ये निकालना चाहें पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, इसका वैल्यू निकालना चाहें, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी जहां पर एक्स का वैल्यू क्या होगा वन, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, और वाई क्या होगा, वाई जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसका मतलब वाई का वैल्यू वन भी हो सकता है, वाई का वैल्यू टू भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है, और सभी का सम कर देना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, और वाई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, कॉमा भी लिख सकते हो, तो इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू वन भी हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू टू भी हो जाएगा, इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, वाई इक्वल टू सिक्स तक। तो एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स है, फिर एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू का प्रोबेबिलिटी, एक्स का वैल्यू वन लेना है और वाई इक्वल टू टू का प्रोबेबिलिटी जीरो है, फिर एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू थ्री का प्रोबेबिलिटी भी जीरो है, इस तरीके से मतलब इस रो का सभी एलिमेंट को ऐड कर देना है, तो इसका सम कितना आया था वन बाय सिक्स, तो ये जो वन बाय सिक्स आया ये प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया, और ये किस किसके लिए हुआ, एक्स का वैल्यू वन के लिए, तो ये बताएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वन एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो ये वन बाय सिक्स यहाँ जो टोटल आ रहा है ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताता है, किसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बताता है वन का, एक्स का वैल्यू वन का। इसी तरीके से एक्स इक्वल टू टू का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये सभी को ऐड कर देंगे, रो वाला ऐड कर देंगे, तो ये वन बाय सिक्स जो है ये एक्स इक्वल टू टू का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया। मार्जिनल मीन्स हो गया यहाँ पर सिर्फ एक्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, वाई कुछ भी हो सकता है, तो वाई जो है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स का वैल्यू हम लोग को लेना है टू, तो ये जितना भी वाई का वैल्यू हो सकता है सारे के प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू टू। फिर एक्स इक्वल टू थ्री का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है, तो ये सभी का सम कर देंगे, ये भी कितना आ रहा है वन बाय सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स आई रख रहे हैं, एक्स आई फिक्स कर दिए, एक्स आई रख रहे हैं, लेकिन वाई का वैल्यू वाई वन उसका प्रोबेबिलिटी, फिर एक्स का वैल्यू एक्स आई रख रहे हैं लेकिन वाई का वैल्यू वाई टू उसका प्रोबेबिलिटी, फिर इसी तरीके से डॉट डॉट एक्स का वैल्यू एक्स आई रख रहे हैं और वाई का वैल्यू वाई एम रख रहे हैं, तो ये जितना भी वैल्यू आ रहा है वो सभी के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, उसको हम लोग कहेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई, ये एक्स आई का प्रोबेबिलिटी हो गया, वाई नहीं लिखा हुआ मतलब वाई का वैल्यू वाई वन से लेकर के वाई एम तक सभी जितना भी प्रोबेबिलिटी आ रहा है सभी का सम कर देंगे, तो ये एक्स इक्वल टू एक्स आई का प्रोबेबिलिटी हो गया, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, डिनोट करते हैं, ये कैपिटल पी और यहाँ पर ये स्मॉल पी है, ये फंक्शन हो गया और ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स आई का प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इसी को कहते हैं इज नोन एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। इस टेबल में अगर देखें तो एक्स आई और वाई वन का प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट किए थे, अगर हम लोग इस टेबल की बात करें तो एक्स का वैल्यू एक्स आई और वाई का वैल्यू वाई वन के प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट किए थे, आई वन से, तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे पी आई वन,
इसको कैसे डिनोट किए थे, x इक्वल टू एक्स आई और y इक्वल टू वाई टू को? तो x इक्वल टू एक्स आई और y इक्वल टू वाई टू को कैसे हम लोग डिनोट किए थे, पी आई टू से डिनोट किए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आई टू। इसी तरीके से इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, x का वैल्यू एक्स आई है और y का वैल्यू वाई एम है, तो इसको डिनोट करेंगे पी आई एम से। तो ये सभी का सम हो गया, और ये सभी के सम को हम लोग कैसे डिनोट किए थे, मतलब इस रो के प्रत्येक एलिमेंट का सम को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे, पी आई डॉट से। तो ये पी आई डॉट, यानी कि अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एक्स आई का अगर निकालना है तो एक्स आई के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करेंगे पी आई डॉट। और ये क्या बता रहा है, ये जो टेबल है उस टेबल में एक्स आई के सामने वाला जितना भी प्रोबेबिलिटी है इस एक्स आई के रो के सभी प्रोबेबिलिटी के सम को डिनोट कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो कॉलम लास्ट कॉलम आता है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का कॉलम होता है, ये जो कॉलम होता है ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बताता है। ये किसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गया, एक्स वन का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गया। ये किसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गया, एक्स टू का। ये सभी प्रोबेबिलिटी है, ये जितना भी है डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोबेबिलिटी है, और ये सभी का सम कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वन, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू। तो जरा ध्यान देना, अब क्या करते हैं कि ऑल्सो सिग्मा पी आई डॉट, अगर हम लोग इस पी आई जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आया है ये एक्स आई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अगर इसका सम कर दें i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो i के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 1 डॉट हो जाएगा p1 डॉट, फिर i के जगह 2 पुट करेंगे तो p2 डॉट, इसी तरीके से n तक पुट करना है तो pn डॉट। और ये सभी का अगर हम लोग सम कर दें तो कौन सा सम आ जाएगा, ये p1 डॉट p2 डॉट 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 p n डॉट, तो p1 डॉट p2 डॉट p डॉट डॉट pn डॉट, इसका सम कितना आ रहा था 1, तो ये जो है वो 1 हो गया। यानी इसको डबल सिग्मा में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर ये सारा प्रोबेबिलिटी का सम हो गया ना, तो ये सभी प्रोबेबिलिटी का सम हो गया, तो डबल सिग्मा में आई भी वैरी कर रहा है 1 से एन तक और जे वैरी कर रहा है 1 से एम तक, तो इसका वैल्यू आ गया 1। यानी कि ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ रहा है सारे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे, एक्स वन का भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, एक्स टू का डॉट डॉट एक्स एन का, सभी के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 1। यानी कि सम ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, इसका मीनिंग ये हो गया कि सम ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सारे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। तो ये अभी हम लोग एक्स आई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे थे, अगर हम लोग वाई जे का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें सिमिलरली, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे इस तरीके से, पी एक्स के जगह यहां पर वाई लिखेंगे और यहां पर वाई जे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू वाई जे ही रखेंगे, लेकिन x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू x1 x2 डॉट डॉट xn सभी रखेंगे। तो जरा ध्यान देना ये वाला कि y का वैल्यू हम लोग वाई जे ही रखेंगे, लेकिन x का वैल्यू x1 भी रख सकते हैं, x का वैल्यू x2 भी रख सकते हैं, यानी कि इसके प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे। तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी जो आएगा इसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, लेकिन किसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, yj का। इधर जो आ रहा था वो बता रहा था कि ये xi का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, और ये कॉलम वाला जो है वो भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये yj का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना कि पी वाई जे, और यहाँ पर y इंडिकेट कर रहे हैं कि ये y रेंडम वेरिएबल का है, तो पी वाई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ y इक्वल टू वाई जे, पी ऑफ y इक्वल टू वाई जे मतलब यहाँ पर x जो है वो x1 x2 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। तो अगर x का वैल्यू x1 रखेंगे तो पी आई पी वन जे हो जाएगा, पी टू जे हो जाएगा, तो ये सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी डॉट जे। तो इसका जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होगा पी डॉट जे होगा, विच इज़ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बता रहा है वाई का। तो इधर जो है वो x का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बताता है, और इधर जो है वो y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बताता है, ये बता रहा है y1 का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये बता रहा है y2 का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये बता रहा है ym का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और इधर भी सारे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 हो जाएगा। मार्जिनल मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर सिर्फ x को कंसिडर कर रहे हैं एक में, और एक में सिर्फ y को, सिर्फ x को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो मार्जिनल हो गया, अगर सिर्फ y को कंसिडर कर रहे हैं तो वो मार्जिनल हो गया, और अगर दोनों को कंसिडर करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और यहाँ पर दो रेंडम वेरिएबल है इसीलिए वर्ड लगाते हैं ज्वाइंट डिस्क्रीट रेंडम, ज्वाइंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या दिक्कत है किसी को, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गया। और इधर भी इस एग्जांपल में अगर बात करें तो ये हो गया, यहाँ पर
ये वाई वन का मतलब वाई इक्वल टू वन का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये वाई इक्वल टू टू का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये हो गया वाई इक्वल टू थ्री का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और सारे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वन के बराबर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।